नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ कि ये डीडी फ्री डिश में जो इनक्रिप्ट प्रोग्राम का जो इशू आता है, इसे कैसे सॉल्व करें। तो बहुत दिनों से दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आ रहा था कि इनक्रिप्टेड प्रोग्राम को कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी बारे में है। आज का वीडियो आप पूरा देखिए और आप जान जाइएगा कि इनक्रिप्टेड प्रोग्राम को कैसे ठीक करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं इनक्रिप्टेड प्रोग्राम जो है वो कैसे आ जाता है हमारे टीवी के ऊपर। ये सारे डॉलर साइन वाले जो भी चैनल आ रहे हैं तो ये कैसे आ जाते हैं, और ये जब नहीं चलता है तो इनक्रिप्टेड प्रोग्राम इसमें लिखता है। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, आप अपने रिमोट से अगर मेन्यू के बटन को प्रेस करके अगर आप प्रोग्राम सेटअप में जाते हैं और आप ऑटो स्कैन में जा करके, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये स्कैन मोड, ये जो फ्री किया हुआ है, इसको अगर आप ऑल कर देते हैं। या दोस्तों ये देखिए, इसको अगर आप फ्री मोड को ऑल कर दिए और फिर आप स्कैन कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपके टीवी पे ये जो सेट टॉप बॉक्स चैनल स्कैन करेगा वो फ्री वाला भी चैनल स्कैन करेगा और ये डॉलर साइन वाले चैनल भी स्कैन कर लेता है। तो डॉलर साइन वाले जो चैनल होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, इसलिए इनक्रिप्टेड चैनल बताता है, इनक्रिप्टेड प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, ये सारे स्कैन जो हो रहे हैं वो डॉलर साइन वाले चैनल्स हैं जो कि आपके टीवी में नहीं चलते हैं। तो ये इशू हमारा आ जाता है और कोई भी चैनल नहीं चल पाता है। तो इसे ठीक करने के लिए दोस्तों सेम वही प्रोसेस है, आपको मेन्यू का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको चला जाना है एडिट प्रोग्राम में और अपने सारे इनक्रिप्टेड प्रोग्राम जो भी है उसको आप दोस्तों कर दीजिए यहाँ से डिलीट ऑल, और फिर आप जाइए वापस से प्रोग्राम सेटअप में और यहाँ से फिर से आप अगर आप ऑटो स्कैन पर ओके ओके कर दिए, और ये स्कैन मोड आपका फ्री होना चाहिए। स्कैन मोड फ्री रहेगा तब आपका जो भी चैनल आएगा वो चलने वाला चैनल होगा, इनक्रिप्टेड प्रोग्राम कोई भी नहीं होगा। तो फिर मैंने यहाँ से ऑटो स्कैन को ओके किया और ये प्रोसेसिंग में है, ऑटो स्कैन होने वाला है और अब जो सारे चैनल आएंगे वो सारे चलने वाले चैनल होंगे, कोई भी इनक्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं होगा। हाँ, तो दोस्तों एक बात आपसे और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं पहले से, अगर उनको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन दिया हुआ है, बेल का आइकन आता है, उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि हमारा वीडियो कब अपलोड हुआ और आप देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर काम की वीडियो आपको लगे तो। फिर चलिए दोस्तों आपको स्किप करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा पूरा ऑटो स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारे डिश में अभी टोटल 133 चैनल आ चुके हैं, जो कि जो मेरा पहला स्कैनिंग इससे पहले मैंने किया था स्कैन तो इतना ही चैनल आ रहा था, तो शायद कोई नया चैनल नहीं आया होगा अभी। हाँ, वो भी मैं आपको चेक करके इसी वीडियो में दिखा देता हूँ कोई नया चैनल आया हुआ है या नहीं। तो वही सब पुराना वाला MTV बीट्स, रिश्ते, सिनेप्लेक्स वगैरह यही सब आ रहा है, और ये सारे स्टार उत्सव मूवीज़ के बगल में टेस्ट जो आ रहा था वही सब टेस्ट चैनल है। और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कोई और नया चैनल आया हुआ होगा, तो यहाँ पे बिग मैजिक और न्यूज स्टेट चैनल के बीच में भी टेस्ट चैनल अभी बंद पड़ा हुआ है, तो इस पे भी दोस्तों कोई भी चैनल सभी नहीं आया हुआ है तो देख सकते हैं। और भी मैं आपको टेस्ट चैनल इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं अभी जो वो पिछला मैंने वीडियो बनाया था दो नए चैनल के लिए, वाव सिनेमा और एक और चैनल था जिसका नाम था महामूवी। यहाँ दोस्तों यही दो चैनल आया हुआ है और इसके अलावा अभी कोई चैनल, दूसरा चैनल नहीं है। तो
दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा इंटरप्रेट प्रोग्राम का जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है। और इस तरीके से आप भी अपने टीवी में, अगर आपके टीवी में इस तरह का इशू आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर कोई इशू आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और दोस्तों रिक्वेस्ट मेरा ये ज़रूर याद रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।